बहुत अच्छा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो। थैंक्स। बहुत अच्छा चैनल सोनी सोनी होम किचन, बहुत अच्छा चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोनी सोनी होम किचन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। और व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खैरियत से रखे, अपने जमान में रखे, हर तरह की मुसीबत से, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज रखे आपको, हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं आज हमने स्वीट डिश बनाई है, और कौन सी स्वीट डिश बनाई है, हमने नवाबी सेवैयाँ बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार बनी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हमने कैसे बनाई है हम आपको बताते हैं। तो हमने 1 kg जो है मिल्क लिया है, रेगुलर मिल्क आप ले लें, तो दूध को हम जो है पकाएंगे लो फ्लेम पर। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि हमने कॉर्नफ्लोर को जो है इसमें पानी में मिक्स करना है, जिसके लिए हमने ये 1/2 कप पानी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, कम अज़ कम 3 चम्मच या 4 चम्मच आप इतना ही इसे यूज़ कीजिएगा 1 kg मिल्क में, तो 4 चम्मच ठीक रहेगा, 4 चम्मच आप ले लें, और मैंने भी तकरीबन 4 चम्मच ही लिया है। ये अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स करना है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, दूध बॉयल हो चुका है, हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 कप जो है वो शुगर डाल दी है, और फिर इसे हम पकाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दूध में। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये स्वीट डिश जो है बहुत जल्दी बनती है, झटपट से बन जाती है, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता। और कॉर्नफ्लोर का जो हम ये मीठा बना रहे हैं ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है। और हमने ये जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा है पानी में, अब हमने वो इसमें डालना है मिल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने डाल दिया ये सारा, और फिर अब हम इसे पकाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे, और फिर हम जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने लो फ्लेम पर इसे कम से कम 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट में ये जो मीठा है ये तैयार हो जाता है कॉर्नफ्लोर का, जो कि हमने नवाबी सेवैयों में इस्तेमाल करना है। इसे मिलाकर नवाबी सेवैयाँ हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की स्वीट डिश बनती है। तो ये बस आप इसे देखते रहिए और हमारे साथ रहिए, और आप देखेंगे कि हम कितनी अच्छी मज़ेदार स्वीट डिश तैयार करते हैं इसे, और बहुत पसंद आएगी आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमने इसे 10 मिनट पकाना है लो फ्लेम पर, और तकरीबन अब ये ठीक हो रही है, आप देख रहे हैं कि थिकनेस आ रही है इसमें बस, और तकरीबन ये हमारा जो स्वीट डिश हम बना रहे हैं कॉर्नफ्लोर का जो मीठा, ये तकरीबन तैयार होने के करीब है। और ये देखिए चम्मच में रह जाता है, आप देख रहे हैं कि थिकनेस आ रही है, तो बस ये तकरीबन तैयार है, और 1 मिनट में ही हम इसका जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे। रेडी हो चुका है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब सेवैयों को हम चूरा कर देंगे अच्छी तरह से। और फिर हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें 2 चम्मच हमने इसमें घी डाला है, मैंने असली घी लिया और चम्मच थोड़ा बड़ा लिया है जो हम डिश में इस्तेमाल करते हैं खाने के दौरान, तो अगर टेबलस्पून लेना है तो आप 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसमें सेवैयाँ भी डाल दी हैं, तो हमने ये 2 पैकेट सेवैयाँ डाली हैं इसमें। नवाबी सेवैयाँ बनाने के लिए हमने 1 kg मिल्क लिया था इवर,
और फिर उस मिल्क को पकाकर हमने उसमें हाफ कप शुगर डाली थी और वो हमारे लिक्विड जो है तैयार हो चुका है कॉर्नफ्लोर का। और ये हमने इसमें पिसी हुई इलायची डाल दी है हाफ टेबल स्पून, कार्डमम पाउडर, बहुत अच्छी सी खुशबू उठ रही है। आप जानते हैं कि जब पिसी हुई इलायची डाली जाती है तो अच्छी सी खुशबू आती है, तो बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़ेदार ये सेवइयाँ तैयार हो रही हैं जो कि नवाबी सेवइयाँ कहलाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्वीट डिश बनती है। तो व्यूअर्स, इसको हम अच्छी तरह से घी में फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर, और चूंकि हम असली घी में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू उठ रही है और इलायची पाउडर डाला है तो उससे तो और समझो कि सोने पे सुहागा हो गया है, खुशबू बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़े की आ रही है इसकी। कम अज़ कम इसको हम जो भूनते हैं सेवइयों को 3-4 मिनट हम भूनते हैं इसे। और फिर हमने इसमें पानी डाल देना है 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर हमने 3/4 कप इसमें शुगर डाल देनी है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो इसमें आप 1/2 कप शुगर डाल दें और फिर लो फ्लेम पे जब हम इसे छोड़ेंगे तो इसकी जो शुगर है वो मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से। ये हम ढक देंगे इसको 2 मिनट के लिए और ये देखें, आप जानते हैं कि सेवइयाँ 2-3 मिनट में ये फटाफट गल जाती है, तैयार हो जाती है। और ये देखें ये तकरीबन रेडी है। तैयार हो चुकी हैं सेवइयाँ और अब हमने क्या करना है कि इसको तेल लगा देनी है, जैसे हम बिरयानी की तेल लगाते हैं ना ये बस, तो इस तरह से हमने नवाबी सेवइयों की तेल लगानी है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमने ये सेवइयाँ इस तरह से नीचे बिछा देनी है और फिर इसके ऊपर हमने ये कॉर्नफ्लोर का जो हमने मीठा तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, हमने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाला था जो कि वीडियो शायद कट हो चुकी है, हम आपको नहीं दिखा सके। तो ये कॉर्नफ्लोर का जो मीठा बना रहे थे हमने जब शुगर डाली थी तो हमने इसमें वनीला एसेंस भी थोड़ा सा डाला था। और फिर ऊपर से दोबारा हम सेवइयों की तेल लगाएंगे। बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़ेदार ये स्वीट डिश बनती है व्यूअर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका और अच्छी हेल्दी होती है ये। ये देखें इस तरह से प्रेस करते जाएं, अच्छी तरह से तेल हमने इसकी बिठा दी है। और ये हमने पिसा हुआ खोपरा इस पे डाल दिया है, ऊपर से हमने इसको गार्निश करना। गार्निश आप जिस तरह भी कर लें, जैसे आपको पसंद हो बस। और मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ उसको, आप देख लें, अगर आपने ऐसे फॉलो करना है इसे गार्निश कर तो आप इस तरह करें, वरना आपकी मर्जी, आप जैसे भी गार्निश करें इसे। पिसा हुआ खोपरा हमने इस पर डाल दिया ये बस। और अब हम क्या करेंगे कि हमने बादाम पिस्ते जो इसके नट्स वगैरह काट के रखे थे ड्राई फ्रूट, वो हम इस पर इस तरह से सेटिंग से रख देंगे। लाइन बना रहे हैं, किने किने जाना है बिलो देकर, चलो लाइन बनाएं। और ये देखें लाइन बन रही है इनकी जो कि बहुत अच्छी लग रही है।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, बिलौते घर जाना है, इसको खाना है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और ये इस तरह से हमने ये केक के जो स्प्रिंकल पड़े हुए थे वो थोड़ा हमने रेड इसमें डाल दिए हैं। ठीक है बार, ये देखें इस तरह से हमने इसको गार्निश किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, मज़े करिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आपके कमेंट्स हमें हमारे अंदर एक नई समझो कि वो रूह फूंक देते हैं, एक नई हिम्मत दिला देते हैं कि हम अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर बड़ी मेहनत से आते हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी स्वीट डिश नवाबी सेवैयां हमारी। तो ये बस, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपको फ्री में मिलेगी हमारी वीडियो अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो फ्री में हमारी वीडियो देखने में मिलेगी आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही अपलोड होगी आपके पास आ जाएगी। और ये हम देखें पीस निकाल के आपको खा के भी दिखाएंगे। तो ये बस, हमारी वीडियो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें और हमें अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। ओके बस, हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही मज़ेदार देखें सवैयां बनी, हम आपको खा के भी दिखा रहे हैं, बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।